हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं नीतीश, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग कुवैत आना चाहते हैं या कुवैत में रहते हैं। सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। छोटा सा वीडियो है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे एक साथी थे, उनके साथ एक ऐसी घटना हुई, तो मैं सोचा जानकारी दोस्तों के साथ भी शेयर करूं, ताकि जो लोग नया आना चाहते हैं कुवैत पहली बार या कुवैत में रहते हैं तो उनको जानकारी हो जाए, तो उनके साथ ऐसी घटना ना हो, उससे बच सकें। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि कुवैत की एक कंपनी है जिसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिनको भी कुवैत आना है जाकर के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। एक वीडियो बनाया है, फुल डिटेल से उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हूँ, उसमें ऑफिस का नंबर मिलेगा, ऑफिस का एड्रेस मिलेगा। जिनको भी इंटरव्यू देना है, कुवैत आना चाहते हैं, जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से जा कर के आप नंबर लेकर के डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ऑफिस वाले से बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टॉपिक पे। दोस्तों बता दें कि इस समय कुवैत में बहुत ही तेज़ी से चेकिंग चल रही है, बस स्टैंड में, बड़े बड़े होटलों में, मार्केटों में, एयरपोर्टों पर बहुत ही तेज़ी से चेकिंग चल रही है। उसका कारण है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कंपनी से पासपोर्ट लेकर के भाग गए हैं और जाकर के चोरी चोरी काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विजिट वीज़ा पे आकर के चोरी चोरी काम कर रहे हैं, गलत लाइन में काम कर रहे हैं। इसकी वजह से कुवैत में बहुत ही तेज़ी से चेकिंग हो रही है। तो हमारे जो साथी थे, फ्राइडे का दिन था, वो मार्केट में गए घूमने के लिए, तो उनका पर्स होता है, पर्स भूल गए रूम पर। उनके माइंड में था कि मैं पर्स रखा हूँ, लेकिन तो पर्स नहीं रखे थे, उनके पास कुछ पैसे थे, तो बस में जाकर के बैठ गए। जब बस में बैठे तो कुछ समय के बाद, 4-5 मिनट के बाद, पुलिस ने आकर के बस में लगा चेकिंग करने के लिए, जो कुवैती पुलिस है, बस में चेकिंग करने के लिए लगा। तो जिनके पास आईडी थी, जो सिविल आईडी होती है कुवैत में, जो लोग काम करने के लिए आते हैं उनकी एक आईडी बनती है सिविल आईडी, वही आईडी यहाँ की प्रूफ है, वो आईडी रहेगी तब आप कुवैत में रह सकते हैं। तो दोस्तों, जिनके पास कुवैत की आईडी थी सिविल आईडी, वो उनको बस में रहने दिए, जिनके पास नहीं थी उनको बाहर निकाल दिया। तो जो मेरे साथी थे उनको बाहर निकाल दिया, वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, जो पुलिस थी, तो वो मेरे साथी को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, वो लोग आईडी मांग रहे थे लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, बाहर निकाल दिया। फिर बाहर निकालने के बाद उनसे अब उनके जो कफिल है, कफिल का नंबर मांगा, जो पुलिस है कफिल का नंबर लिया और कफिल पर फ़ोन किया, फिर कफिल पर फ़ोन किया, फिर कफिल वो वहाँ पर आए जिस लोकेशन पर बस थी, वहाँ पर जो पुलिस पकड़ा था मेरे साथी को, कफिल आया, फिर वो आपस में सब बात किए, अरबी में बात किए कि इंग्लिश में बात किए, आपस में सब बात किए। फिर उसके बाद उनसे पूछा मेरे साथी से कि आपका पर्स किधर है, कफिल उनका, तो वो बोले कि मैं रूम पे भूल गया, पैसे हैं कुछ मेरे पास, तो वो बोले कि आपके पास मोबाइल की आईडी है, तो वो बोले हाँ मोबाइल की आईडी है, तो मोबाइल की जो आईडी है, मोबाइल की आईडी जो पुलिस है उसको दिखाए, फिर उनको छोड़ा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बता दूँ कि अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हैं या कुवैत में रहते हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा, चाहे मार्केट में घूमने के लिए कहीं भी जाइएगा, तो जो यहाँ की सिविल आईडी होती है, अगर आप काम करने के लिए आएंगे तो यहाँ की सिविल आईडी बनती है, अपना सिविल आईडी साथ में हमेशा लेकर के चलिएगा, नहीं तो अपना जो मोबाइल आईडी है, मोबाइल आईडी साथ में हमेशा लेकर के रहिएगा, क्योंकि इस समय कुवैत में बहुत ही तेज़ी से चेकिंग चल रही है। अगर आप लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं तो जो विजिट वीज़ा होता है उसकी कॉपी और ओरिजिनल पासपोर्ट हमेशा साथ लेकर के चलिएगा, नहीं तो यहाँ की जो पुलिस है वो पकड़ेगी। पकड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको फाइन मारेगी या आपको मारेगी, कुवैती पुलिस बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। यहाँ से जिनको मतलब फर्जी में पकड़ती है उनको सीधे यहाँ पे 1 महीने या 15 दिन जेल में रखती है, फिर उसके बाद आपको घर भेज देगी। जब घर भेज देगी तो आप हमेशा के लिए कुवैत बैन हो जाएंगे, दोबारा आप कुवैत नहीं आ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग कुवैत में रहते हैं या कुवैत आने वाले हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि हमारे पास आईडी है कि नहीं है, हमेशा आईडी लेकर के चलिएगा, जो सिविल आईडी होती है, नहीं तो आप जो मोबाइल आईडी है वो लेकर चलिएगा। विजिट वीज़ा पर अगर आप आना चाहते हैं तो विजिट वीज़ा की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट ओरिजिनल हमेशा साथ लेकर के रहिएगा, कभी भी कहीं भी आपको पुलिस पकड़ सकती है, क्योंकि इस समय बहुत ही तेज़ी से चेकिंग चल रही है कुवैत में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फर्जी काम कर रहे हैं, चोरी चोरी गलत लाइन काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी, तो मैं सोचा दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि जो लोग नए हैं, पहली बार आना चाहते हैं कुवैत,
उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम वीडियो में मिल जाएगी, उस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।